पाकिस्तान का नया स्विंग किंग शाहीन अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी की जो स्पीड पर बातें हो रही हैं कि उन्होंने स्पीड कम कर ली है, क्या इंजरी की वजह से ऐसा हो गया है, बहुत सारी बातें उनके लिए कही जा रही थी। आखिरकार शाहीन अफरीदी ने इसको लेकर खुलकर बात की है। पहली का पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने काफी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्हें खेलते हुए चोट नहीं लगती तो पाकिस्तान अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत जाता। दरअसल उन्होंने ESPN क्रिकेट इन्फो पर इंटरव्यू दिया और कहा है कि हर किसी का स्पीड को लेकर अपना अलग नजरिया है, लेकिन मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आप खुद को देखिए, अगर आप 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट चटका रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, मैंने विकेट लिए, मैदान पर अपना 100% दिया, वो ज्यादा अहम है, स्पीड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा है तो समय के साथ इसमें सुधार आ जाएगा। 23 साल के शाहीन अफरीदी ने यह भी कहा कि वो मानते हैं कि चोटों से उनकी गेंदबाजी स्पीड में कमी जरूर आई। उन्होंने कहा, T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले 2 महीने मैं चोट के चलते बाहर था, T20 वर्ल्ड कप के बाद मैं 2-3 महीने टीम से बाहर था, तो वापसी में समय लगना सामान्य बात है। मैच एनर्जी हो या फिटनेस हो, मैच खेलते खेलते ही आ जाएगी। PSL 2023 के दौरान मुझे अच्छा महसूस हो रहा था और समय के साथ चीजें बेहतर होती जाएंगी, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे मैं खेलता जाऊंगा, चोट से पूरी तरह से उबरता जाऊंगा, वापस से वो फिटनेस भी हासिल कर लूंगा और वो स्पीड भी हासिल कर लूंगा जिससे मैं बल्लेबाजों को डराता था। सामने क्रम पाकिस्तानी सुपरस्टार और तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्होंने अपने पहले मैच में ही 4 ओवर्स में सिर्फ 21 रन देकर एक विकेट हासिल की और अपनी शानदार कारकर्दगी का बैरून मुल्क भी मुजाहरा किया। लेकिन पिछले चंद महीनों से अगर आप हमारे पड़ोसी ममालिक के मीडिया एंकर या फिर उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए कॉलम वगैरह लिखते हैं उन पर अगर नजर दौड़ाएं तो वो बार बार शाहीन शाह अफरीदी पर तनकीद करते दिखाई देते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी में अब वो दम खम नहीं रहा, यानी शाहीन शाह अफरीदी खत्म हो चुका है। घुटने की इंजरी ने मुकम्मल तौर पर उनकी सलाहितों को जायल करके रख दिया है। उनकी स्पीड पर बात की जाती है कि शाहीन शाह अफरीदी की अब वो स्पीड भी नहीं रही और धीमी रफ्तार के बॉलर्स की तो शदीद पटाई होती है और यही वजह है कि गुज़श्ता चंद सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी ना तो मुकम्मल फिट दिखाई दिए और ना ही उन्हें वो करिश्मा दिखाई दिया जो शाहीन शाह अफरीदी का खासा हुआ करता था। अगर हकीकत देखी जाए तो गुज़श्ता जो सीरीज पाकिस्तान में हुई है या पाकिस्तान ने जो खेली है शाहीन शाह की इंजरी से वापिस आने के बाद, तो जितनी तेजी के साथ उन्होंने रिकवर किया है शायद ही दुनिया का कोई बॉलर कर सकता हो। अपनी इंजरी के बाद आने वाले पहले ही मैच में उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई थी वो उस बात का मुंह बोलता सबूत था। अब भारतीयों को तो पाकिस्तानी सुपरस्टार से तकलीफ होती ही है, लेकिन अब की बार खुद शाहीन शाह अफरीदी ने जवाब देते हुए अपने उन सारे क्रिटिक्स खासकर जो हमारे पड़ोस में बैठे हैं और तरह तरह की मनगढ़ंत बातें बनाकर हमारे प्लेयर्स का मोराल डाउन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें खुद शाहीन शाह अफरीदी ने जवाब भी दिया है। अपनी रफ्तार के बारे में उन्होंने कहा है वो भी आगे चलकर आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे कि भारत का मीडिया अब इस पर कैसे चीखें मारता दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अपने बयान में शाहीन शाह अफरीदी ने ये तक कह कर उनकी बोलती बंद की कि अगर वर्ल्ड कप के फाइनल में मैं इंजर्ड ना होता तो मुझे इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान अपना दूसरा वर्ल्ड कप भी जरूर जीत जाता। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीयों ही की जुबानी ये सारी कहानी सुनाते हैं कि तनकीद करने वालों को शाहीन शाह अफरीदी ने कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का नया स्विंग किंग शाहीन अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी की जो स्पीड पर बातें हो रही हैं कि उन्होंने स्पीड कम कर ली है, क्या इंजरी की वजह से ऐसा हो गया है, बहुत सारी बातें उनके लिए कही जा रही थी। आखिरकार शाहीन अफरीदी ने इसको लेकर खुलकर बात की है। पहली बार क्या बोले हैं शाहीन शाह अफरीदी अपने इस वीडियो में, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन अफरीदी पिछले कुछ समय से लगातार चोट की वजह से परेशान है। साल 2022-23 तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा रहा। एशिया कप 2022 वो चोट की वजह से ही नहीं खेल पाए। फिर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में वापसी जरूर की, लेकिन फाइनल मैच के दौरान फिर से चोटिल हो गए। शाहीन इस चोट के बाद लंबे ब्रेक पर रहे और फिर से वापसी की, लेकिन जब से उन्होंने वापसी की है उनकी गेंदबाजी में, उनकी स्पीड में बहुत कमी आई है। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी राय रखी है और अब शाहीन ने इस पर खुलकर बोला है। शाहीन अफरीदी ने भरोसा जताया है कि जैसे जैसे उन्हें मैच खेलने का मौका मिलता जाएगा, समय के साथ उनकी गेंदबाजी की स्पीड पहले जैसी हो जाएगी। इतना ही नहीं, अफरीदी ने यह भी कहा कि वो अपनी गेंदबाजी स्किल्स पर भी काम कर रहे हैं और इसे और बेहतर करने पर उनकी नजर है। दरअसल उन्होंने ESPN क्रिक इन्फो पर इंटरव्यू दिया है और कहा है कि हर किसी का स्पीड को लेकर अपना अलग नजरिया है, लेकिन मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आप खुद को देखिए, अगर आप 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट चटका रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, मैंने विकेट लिए, मैदान पर अपना 100% दिया, वो ज्यादा अहम है, स्पीड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा है तो समय के साथ इसमें सुधार आ जाएगा। 23 साल के शाहीन अफरीदी ने यह भी कहा कि वो मानते हैं कि चोटों से उनकी गेंदबाजी स्पीड में कमी जरूर आई है। उन्होंने कहा, T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले 2 महीने मैं चोट के चलते बाहर था, T20 वर्ल्ड कप के बाद मैं 2-3 महीने टीम से बाहर था, तो वापसी में समय लगना सामान्य बात है, मैच एनर्जी हो या फिटनेस हो, मैच खेलते खेलते ही आ जाएगी।
PSL 2023 के दौरान मुझे अच्छा महसूस हो रहा था और समय के साथ चीजें बेहतर होती जाएंगी। यानी कि शाहीन अफरीदी कह रहे हैं कि भाई हाँ, चोट की वजह से मैं परेशान हूँ, मेरी स्पीड में कमी आई है, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे मैं खेलता जाऊंगा, चोट से पूरी तरह से उबरता जाऊंगा, वापस से वो फिटनेस भी हासिल कर लूंगा और वो स्पीड भी हासिल कर लूंगा जिससे मैं बल्लेबाजों को डराता था। तो ये है शाहीन अफरीदी, यानी कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि वो आने वाले समय में वही शाहीन अफरीदी जो डेडली शाहीन अफरीदी थे, जिनसे हिंदुस्तान के बल्लेबाज भी बड़े परेशान हुए थे T20 वर्ल्ड कप के मैच के दौरान, और पहली बार शाहीन अफरीदी ने अपनी टीम को किसी भी वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ जीत दिलाई, उसमें शाहीन अफरीदी का बहुत अहम रोल था। त्रिदेवों को उन्होंने आउट किया था, KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली का विकेट उन्होंने लिया था, तब से उनका नाम और ज़्यादा पूरे विश्व क्षितिज पर छा गया था। लेकिन बीते एक दो साल से वो चोट की वजह से परेशान है, लेकिन अब कह रहे हैं कि चिंता वाली बात नहीं है, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे आपको पुराना वाला शाहीन अफरीदी मिल जाएगा। पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने काफी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्हें खेलते हुए चोट नहीं लगती तो पाकिस्तान अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत जाता। काफी बड़ा बयान है, लेकिन मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के इंजर्ड होने के बाद ही एक तरह से पाकिस्तान के लिए वहां पर वो गेम पूरी तरह से पलट गया। इंग्लैंड ने पूरी तरह से उसके बाद अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू किया। अगर शाहीन शाह अफरीदी वहां पर रहते तो दबाव जो था वो पूरी तरह से इंग्लैंड के ऊपर ही था और इंग्लैंड वो मुकाबला हार भी सकती थी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग के दौरान घुटने में थोड़ी सी चोट महसूस हुई और उसके बाद उन्हें फील्ड छोड़कर वहां से जाना पड़ा। आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले भी उन्हें उसी घुटने में चोट आई थी और जिसके कारण वो काफी समय से बाहर थे टीम से। एशिया कप में उन्हें उनकी वापसी हुई थी और एशिया कप के बाद फिर T20 वर्ल्ड कप में उन्हें खेलना था, जहां पर फाइनल मुकाबले में उन्हें फिर से वहां पर दिक्कत आई और उसके बाद वो मैदान उन्हें छोड़कर जाना पड़ा वहां से, जिसके बाद इंग्लैंड ने वहां पर पाकिस्तान को डोमिनेट किया और T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता बने। इस बात से मैं भी यहां पर सहमत हूं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह के फॉर्म में थे, जिस तरीके की गेंदबाजी दिखा रहे थे, बिल्कुल मुमकिन था कि वो इंग्लैंड को वहां पर मात देते और पाकिस्तान वहां पर T20 वर्ल्ड चैंपियन बन सकती थी। लेकिन एक इंजरी के कारण मैं कहूंगा पाकिस्तान के हाथ से एक बहुत अच्छा मौका वहां पर चला गया, क्योंकि बहुत ही अच्छा चांस था। अगर शाहीन शाह अफरीदी वहां पर रहते तो मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान बिल्कुल वो मुकाबला जीत सकती थी और वर्ल्ड चैंपियन बन सकती थी, लेकिन इंजरी के कारण वो मौका हाथ से चला गया और इंग्लैंड के पास T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चली गई। और उस मुकाबले में बेन स्टोक्स ने शानदार बल्लेबाजी की थी और सैम करन ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, मैन ऑफ द मैच रहे थे सैम करन। और जिस तरह से वहां पर हमने देखा था, जिस तरीके का मैच वहां पर देखा था, काफी क्लोज मैच था वो, और लेकिन इंग्लैंड ने वहां पर अंत के, मैं कहूंगा आखिरी 4 ओवरों में वहां मुकाबला बदल गया था, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वहां इंजर्ड हो गए थे।